ठीक है, अब मेरे प्यारों मेरी बात ध्यान सुनो। अगर हम देखें एनर्जी चेंजेस है ना पेंडुलम, लास्ट जो थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से आता है वो आता है क्या, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी चेंजेस इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बेटा क्या होता है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो पानी रहता है वो भागता रहता है, बहता हुआ पानी, बहता हुआ अपने पानी है ना, खून की नदियां थोड़ी बहने ये हमारा बहता हुआ पानी है, ठीक है ना। ये जो बहता हुआ पानी है इसे हम लोग क्या करेंगे, इवेंचुअली एक डैम में स्टोर कर लेंगे, तो ये पानी की हाइट बढ़ जाएगी और ये डैम के ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो पहले रनिंग वाटर के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, फिर इसकी हाइट बढ़ी तो इसके पास कौन सी आई, पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसके हम लोग गेट खोल देंगे तो ये पानी धड़धड़ करके गिरेगा नीचे, फिर से इसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, है ना। फिर नीचे हम लोग मतलब लगा देते हैं एक पंखा, क्या लगा देते हैं पंखा, इस पंखे को हम लोग कहते हैं टर्बाइन, क्या कहते हैं टर्बाइन फिर ये टर्बाइन धर धर घूमेगा, तो ये टर्बाइन के पास भी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी इवेंचुअली जनरेटर में जाकर क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आया मजा। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे, बुलेट्स में लिख देंगे। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है रनिंग वाटर, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी, रनिंग वाटर की, वो काय में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। आई बात समझ में, ये पोटेंशियल एनर्जी फिर से काय में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, ठीक है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में टर्न होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग टर्बाइन, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग टर्बाइन बाद में काय में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहाँ कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन अ जनरेटर, इन अ, क्या आपको कहानी समझ में आई, इसे छाप लो फोटो ठीक है ना। ध्यान से देखो मेरे प्यारों और मेरे दुलारों, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 158, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, यानी कि मुझे मास कितना दे दिया है, 20 kg, ठीक है ना। चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 m/s, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 m/s, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 m/s। सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है ना। अब हमें निकालना है वर्क डन, क्या निकालना है, वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 20 × 5, नहीं 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इंटू 20 इंटू 4 − 25, ये 2 × 1 = 10, 10 × −21 दैट इज कितना 210, कौन सा −210 जूल, पर इसको हम लोग माइनस नहीं लेंगे, इसको हम लोग 210 जूल ही लेंगे, क्यों, क्योंकि वर्क डन अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में भेदभाव नहीं करते। हाँ ठीक है, तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर मैं तुम लोग को दिया था क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्या, अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बोला क्या, बोला कि हमको जूल्स में क्या करनी है, एनर्जी निकालनी है, कन्वर्ट तो यूनिट्स कितनी है बेटा, 250 यूनिट्स, ठीक है ना। हमने कल ही पढ़ा क्या, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना, 3.6 × 10 to the power 6 जूल, तो 250 यूनिट्स कितना हो जाएगा,
250 यूनिट्स हो जाएगा, 250 इंटू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल्स. अब जो भी इसका आंसर आ रहा हो वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. अब किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की. बोला एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे कितना देके रखा हुआ है, 40 kg, इज रेज टू अ हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड. इसको कितनी हाइट पे रेज किया हम लोगों ने, 5 मीटर, है ना. अब क्या पूछ रहे बेचारे, बोल रहे पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ. बोलेंगे हम ओके, ये लो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच. एम कितना है, 40, जी कितना है, 10, और एच कितना है, 5. तो ये कितना आ जाएगा, 9.8 लिया तो भी सही है, मेरे को कैलकुलेशन करना नहीं पूछ रहा था इसलिए मैंने इतना दिया. If the object is allowed to fall, find its kinetic energy halfway down. तो kinetic energy आधे रास्ते में कितनी हो जाएगी, आधी, क्योंकि जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ वे डाउन पे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, दैट इज 2000/2, दैट इज 1000, और काइनेटिक एनर्जी हाफ से बढ़ जाएगी, दैट इज 1000 जूल. क्लियर है क्या, बोलोगे तो इसका प्रूफ भी करवा दूंगी कि हाफ वे डाउन इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, तो इसलिए करवाऊं क्या, नहीं तुमको पता ही था, ज्यादा ज्ञान तुमको बचता नहीं है, तुझे डायरेक्ट वोट भी तो सकते, सीधा आधा कर दो. हां वही तो करा पगले, वही तो करा, वेलोसिटी नहीं निकाली मैं, वेलोसिटी निकालने की कोशिश करती हूं मैं, तेरे को सिखा दूंगी वो वाला मेथड, बोलेगी यार मेरी इच्छा नहीं है सीखने. एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, पावर कितनी है, 1500 वाट. हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, टाइम कितना दिया है हम लोग को, 10 आवर्स, तो 10 आवर्स को हम लोग काय में कन्वर्ट कर लेंगे पहले सेकंड्स में, तो 10 into 3600, दैट इज 36000 सेकंड्स, ठीक है ना. ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है ना. अब हम लोग को क्या करना है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी या फिर वर्क डन, कभी भी पूछे तो वो क्या होगा, पावर इनटू टाइम, क्या होगा, पावर इनटू टाइम. तो पावर कितना है, 1500, टाइम कितना है, 36000 वॉट सेकंड. तो जो मेरा जो भी आंसर आएगा वो टाइम में आ जाएगा, जूल्स, ठीक है. नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है 17 भी कर लेते हैं, 20 भी कर लेते हैं. कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 1500 kg. कार को स्टॉप करना है मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है ना. मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 km/h. अच्छा बेटा तुम हमको पागल समझते हो, हम जानते हैं 30 km/h को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, 6 × 10 = 3, तो ये कितना आ गया, 50/3 मीटर पर सेकंड. अब बेचारे वर्क डन ही पूछ रहे हैं ना, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी तो जीरो ही है, तो हाफ इनटू 1500 इनटू जीरो का स्क्वायर माइनस 50/3 का होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 1500 इंटू 50 × 50/3 × 3. आया समझ में, इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब इसका भी निकाल लेना क्वेश्चन नंबर 17 का, इसको सॉल्व कर, जो भी आंसर आएगा वो कायम आएगा इन जूल्स. लास्ट क्वेश्चन 20, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम, 2 मिनट लैपटॉप को ऑपरेट कर ले बेटा, ठीक है ना. पावर कितना है, 500 वॉट. पावर कितना है बेटा, फटाफट लिखते जाना, 500 वॉट. इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, किलो वॉट में, क्योंकि उनको एनर्जी काय में चाहिए, किलो वॉट आर में,
ठीक है ना, और टाइम कितना देके रखा हुआ है, 10 आवर्स, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, दैट इज 500 अपॉन में 1000 इंटू 10, टक 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 टक, इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोवाट आर। विद दिस योर चैप्टर इन एनसीईआरटी इज ओवर। इसके अलावा बहुत सारी वर्कशीट दूंगी, एक वर्कशीट ऑलरेडी ग्रुप पे डाल चुकी हूँ, वो सॉल्व करना, डाल चुकी हूँ बेटा।